सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ले जा और फेंक दे। मिट गया सबूत, मिट गया सबूत, मिट गया सबूत, मिट गया सबूत। रुको, तुम्हारी बात दुनिया जाने, रुक जाओ। हमारा बच्चा हमें दे दो, हम कह रहे हैं हमारा बच्चा हमें दे दो। अरे तेरा पति है ये, अरे लोडेड है, चल जाएगी। माँ शब्द में ही इतनी ताकत होती है कि उसका नाम सुनकर ही बच्चों के हर दुख दर्द गायब हो जाते हैं। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। माँ दुनिया की हर सुख सुविधा अपने बच्चे के लिए बलिदान कर देती। ऐसे में इस माँ के साथ यहाँ क्या हो रहा था? कौन थी ये लड़की जो अपने बच्चे को बंदूक के सहारे मांग रही थी? आखिर क्या हुआ था उसके साथ और किसने मारा था उसके बच्चे को और क्यों? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक मासूम की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस मासूम की बगावत के पीछे का सच जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ अरसा पहले। आप ठीक कह रहे हैं महेश बाबू, हमारी मजबूरी तो जग जाहिर है, लेकिन शादी ब्याह में खर्चा करना तो स्वाभाविक है। गुड्डी के बाबूजी बहुत सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत समय मिलना चाहिए ना। तो ठीक है, 5 महीने के बाद का समय ठीक है, उसके बाद कोई तारीख रख लीजिए ब्याह की। अरे आओ ना। हाँ, 5 महीने के बाद सही रहेगा। क्या दीदी, भिड़ाई की ज्यादा जल्दी हो तो बताओ, जाके बात करें तुम्हारे ससुर से। बकवास ना कर। तो 6 फरवरी ब्याह की तारीख है ना भाभी जी? हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। चुप कर भाई साहब, लीजिए लड्डू खाइए। जी धन्यवाद। आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं आता हूँ। लो दीदी, अब तो हो गया तुम्हारा काम, अब ना इस घर पर के लिए हम राज करेंगे, तुम बस शादी करके निकलो अब। अच्छा, बड़ी जल्दी है तुझे राज करने की। हम नहीं कर रहे इतनी जल्दी शादी। भगवान करे हमसे पहले तुम्हारा ही ब्याह हो जाए। ऐसे नहीं होगा दीदी। महेश बाबू, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं,
हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ये रख लीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अरे बंसी भैया, इसकी क्या जरूरत है, आप बस बिटिया को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं मनीष बाबू, अगर आप नहीं लेंगे तो हम लोग अपमानित महसूस करेंगे। ये रख लीजिए। अब इतना कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा बंसी भैया चलते हैं। अच्छा जी। भाभी जी नमस्ते भाई साहब। लड्डू गुड्डी मोनी, अरे आ जाओ लड्डू खाओ। कहाँ रह गई ये दोनों? ले गुड्डी ले। हम नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हुआ? जब खत्म हो जाएगा फिर मत मांगना। नहीं मांगेंगे बाबा, शगुन के नाम पर पैसे बांटो तुम बस। कैसे कैची जैसे जुबान चला रही है तू? अरे लड़की वाले है बेटा, देना तो पड़ेगा ना। हाँ लड़की वाले, इसलिए दहेज देना शगुन देना दोनों जरूरी है, पर घर में शौचालय बनवाना जरूरी नहीं है। बाबा उन पैसों से शौचालय बन जाता। बेटा बन जाएगा, बस फिर से तुमने वो जिद पकड़ ली, बनवा देंगे। ये राम कैसी बातें कर रही है तू, पगला गई है? हाँ घर में शौचालय बनेगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी। हाँ ऐसे तो घर में बहुत लक्ष्मी आ रही है ना, घर तो भरा पड़ा पैसों से। देख मेरा मुंह मत खुलवा, तू संस्कार भूले जा रही है। गुड्डी तू चल अंदर। नहीं दीदी रुको, तुम अरे चुप करो, बंद करो ये सब। आज मोनी की ब्याह की तारीख पक्की हुई है, आज तो खुश हो लो। तो बाबा यही सोच के शौचालय बनवा देते कि मोनी दीदी का ब्याह पक्का हुआ है, कल को इनके घर से कोई लड़की कोई औरत आएगी तब बेइज्जती नहीं होगी हमारी। चुप कर। नहीं चुप रहेंगे, अब जब तक घर में शौचालय नहीं बनेगा मैं ऐसे ही बोलते रहेंगे। जुबान चला रही है। मैं क्या कर रही हूँ, वैसे मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ गुट्टी? अरे गलत ही बोला है ना इसने। हे भगवान, कोई इसे उठा कर ले जाए, हमसे पीछा तो छूटा इस लड़की का। अम्मा पापा बोलो ना आप। अरे गुड्डी कहाँ जा रही, कहाँ? गुड्डी ए गुड्डी, गुड्डी अम्मा। सुमित्रा हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, अब वो जवान हो चुकी है। तो क्या करती, कैसे जुबान चला रही है आप देख रहे हैं ना, मैंने सही किया। अम्मा तो चुप कर। ये कमाल के मूड में लग रहे हैं आज। हाँ बढ़िया जोक सुना रहे हो तुम। चलिए आपको सिगरेट पिलाते हैं इसी बात। हाँ पिलाओ पिलाओ। आप बात कर रहे हैं अब यार, रहे मजा आया भैया हैं? अरे अरे सुनो भैया, भौजी आ रही है। बड़े गुस्से में लग रही है भैया। गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती है। अरे हमारे साथ चलो शहर, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शहर लेके जाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, पॉपकॉर्न खिलाएंगे, चिल्ड बियर पिएंगे और उसके बाद जाएंगे कोठी पर, मजा आ जाएगा। ऐसे मौसम में तो बड़ा मजा आएगा भैया। देख तुझे से छिछोरे के ना मुंह नहीं लगना चाहते, फिर भी एक राय देंगे। काम कर, अपनी बहन को ले जाए फिल्म दिखाने और बाद में ना कोठी पर भी उसे ले जाइयो। अबे हट, दादा नहीं बोल रही है तुम? हाँ छोड़ मेरा। किसी के बाप पे दम हो तो यहाँ छुड़ा के दिखा दे, है किसी के बाप पे दम? भाई नहीं है भैया। किसी के बाप को आने की जरूरत नहीं है, अपनी रक्षा ना खुद कर सकते हैं। और आइंदा ये बदतमीजी करेगा तो तेरे बाप प्रधान जी से कह के शिकायत कर देंगे, तेरी थाने में बंद करवा देंगे तुझे। जा यहां से। अरे पुलिस पुलिस थाने वाने से नहीं डरते हम, कह दियो। अरे मोनी गुड्डी जल्दी आओ, सुबह होने से पहले निवृत्त हो जाए, चलो जल्दी। हाँ
हाथ उठाएगी माफ कर दो, हम नहीं करेंगे ऐसे तुम्हारा हमसे गलती होगी, प्लीज हमें जाने दो। जाने दे? अभी कैसे जाने दे? अभी तो बहुत कुछ होना है तुम्हारे साथ, मजा आएगा। हमें छोड़ दो, हमें प्लीज, हमें भगाने के लिए हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मैं हमसे गलती हो गई, नहीं करेंगे ऐसा। क्यों नहीं अब तक? बड़ी घबराहट सी हो रही है, कुछ गलत ना हो जाए गुड्डी के साथ। जिद्दी लड़की है, हमने एक थप्पड़ क्या मार दिया, इतनी चिढ़ी हुई है कि परेशान कर रही है हम सबको और कुछ नहीं। अरे आ जाएगी, तू चिंता मत कर। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अगर किसी को गांव में पता चल गया कि हमारी बेटी सुबह से गायब है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। क्या करें बाबा, कब तक कैसे बैठे रहे? चलिए ना थाने जाते, रिपोर्ट लिखा देते, कुछ कुत्ते को हो गया तो क्या करेंगे हम? चुप चुप बोल, कुछ नहीं होगा उसके साथ गलत, समझी ना? कुछ गलत नहीं होगा। गुड्डी 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 गुड्डी, क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ गुड्डी? क्या हुआ गुड्डी? किसने क्या गुड्डी बता रहे? गुड्डी गुड्डी किसने की आई है? हाँ तू बता, हम सबको, हम तेरे साथ हैं ना? बता।
पिता। बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। सांस ले, बता, बता किसने किया? बोल बेटा, बोल, बोल। घर आ, जाओ। हे भगवान, कोई इसे उठा कर ले जाए। हमसे पीछा तो छूटा इस लड़की का। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटा। हमने तो बरात उठाया, हमने ही मना किया था शौचालय बनाने के लिए। अगर घर में ही शौच होता तो ये अनर्थ नहीं होता बेटा तेरे साथ। बाबा, उस बलबीर ने हमारी गुड्डी के साथ इतना सब कुछ कर दिया और आप अब तक चुप है। बाबा चलिए पुलिस स्टेशन, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, थाना कचहरी अब कहीं नहीं जाएंगे, हम सब बर्बाद हो गए। इसके साथ जो हुआ सो हो गया। अगर मोनी के ससुराल वालों को पता लगा तो इसकी शादी भी टूट जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। एक बेटी पर मुसीबत आ गई है, दूसरी पर भी मुसीबत आ जाएगी। हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। नहीं बाबा, आप मेरी बात सुनिए, चलिए थाने रिपोर्ट दर्ज करते। बेटा, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर हम थाने गए ना, ये गांव, ये समाज, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। और उन बड़े लोगों के सामने हमारी कुछ नहीं चलेगी, वो बहुत बड़े लोग हैं। मैं बैठ नहीं जा सकता। बेटा, इसे अंदर ले जा, हल्दी वाला दूध पिला दे और कुछ दवाई वहां लगा दे। बेटा उठ, आराम से चल, कुछ नहीं। सब क्या हो गया? हे भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? क्या किया हमारी बिटिया के साथ? घर पे कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। मत रो, मत रो, सब ठीक हो जाए। भैया, गुड्डी पुलिस स्टेशन आई है। जरूर नजर रख उस पर। जी भैया। क्या हुआ बताओ? चुप क्यों? घबराओ मत,
दरोगा जी। हम एक पास के गांव के रहने वाले हैं, हमारे साथ गुड्डी, तुम प्रधान के लड़के पर इल्जाम लगा रही हो, सोच समझ के तो बोल रही हो ना? घर का है तुम्हारा? अच्छा, पिताजी का नाम बताओ। हमारे पिताजी का नाम बंसीराम। बंसीराम, तुम्हारे मां बाप के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी, चलो। हाँ सोनू बोलो। भैया, गुड्डी के घर दरोगा आया है। हमारी बात ध्यान से सुनो सोनू, उस दरोगा की ना फील्डिंग शुरू कर दो। जी भैया। ये बात ना पिताजी तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है भैया। पागल हो गई, किसी के बारे में कुछ भी बोले थाने जाएगी, पागल कहेगी। दरोगा जी, इसका माता फिर गया, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम कह रहे हैं ना, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। बंसी, जानते हो ना, बलबीर प्रधान जी का बेटा है, इसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और बिना सबूत के पुलिस भी क्या कर लेगी? अपने बेटी को समझाओ, बलात्कार का आरोप कोई खेल नहीं है कि मुंह उठा के चले और किसी पर भी इल्जाम डाल दे। चलता हूं मैं। दरोगा जी, दोबारा ये कभी गलती नहीं करेगी, हम वादा करते हैं, कभी गलती नहीं करेगी। सुना सुना बाबा, क्यों नहीं बताया दरोगा जी को सब कुछ सच? अरे क्यों तिल तिल करके मार रहे हो बेचारी को? हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। अरे हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है, वो बड़े लोग हैं। अरे हम पहले से ही मुसीबत में हैं, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पे। तेरी शादी तय है, अगर गाँव वालों को पता चल गया ना तो टूट जाएगी, हम लोग पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। अरे बर्बाद हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे। कई बार इस समाज में लोग अपनी इज्जत के डर से कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनका परिणाम बहुत ही घातक साबित होता है। हमारे समाज में लोगों को यह समझना होगा कि जिस लड़की के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर आखिर क्यों उस लड़की को अपमान का सामना करना पड़ता है? अपमान और सामाजिक बहिष्कार तो उन लोगों का होना चाहिए जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं। गुड्डी के पिता बंसी सामाजिक तानों बानों में उलझी हुई सोच के शिकार थे, कहीं बड़ी बेटी का रिश्ता टूट ना जाए, इस डर से वो गुड्डी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन उनकी ये सोच सरासर गलत थी। जुर्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई जाए तो वो रुकता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होगा उस मासूम लड़की का जिसे एक दरिंदे ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था? क्या करेगी अब वो, और कैसे मिलेगा उसे इंसाफ? मिलेगा भी या नहीं? कितना टाइम लगा रही चाय लाने में? बना रही होगी, लो आ गए, रख दे बाद में पी। मुबारक हो, आप दोनों नाना नानी बनने वाले हो। ये क्या बोल रही है तू? अरे हम पुलिस के पास इसलिए नहीं गए कि इसकी बदनामी होगी, अब हम क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? बाबा बाबा, ये समय रोने का नहीं है, हमने गुड्डी के बारे में सोचना चाहिए। अरे ये दिन दिखाने से पहले मर क्यों नहीं गई? गुड्डी, तू इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाएगी। ये बच्चा दुनिया में आएगा।
किया। देख, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें इस बच्चे को इस दुनिया में लाने नहीं दूंगा। आप इसकी एक बात भी मत सुनिए। अब तक जो तुम लोग हमारे साथ करते आए हम कहते रहे, अरे जितना ज्यादा मैं उस बलात्कारी ने दिया उतना ही था तुम लोगों ने भी दिया है। खोखला करके रख दिया है अंदर से। अगर इस बच्चे को मारने की कोशिश की तो हमने आपको भी मार लेंगे। हाँ मारते और इसे भी मारते, लेकिन ये बच्चा तेरी कोख से इस दुनिया में नहीं आएगा, समझे? तो मुझे माफ कर दो, तुमने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। देख बुढ़ी, मैं सब ठीक करूंगा, मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी दिला दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत है प्रधान जी, मेरी बेटी मां बनने वाली है। बंसी तुम यही ठहरो, तुम्हारी बेटी के साथ इंसाफ होगा, हम अभी आते हैं। दादी हमने कुछ नहीं किया है। ये जवान बेटी को कोई इस तरह डांटता है क्या? कुछ नहीं किया है उसने। मां बनने वाली है बंसी की बेटी। ठीक है, अगर इसने कुछ नहीं किया है तो उसे FIR करने देते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि उसके बच्चे का बाप कौन है। पिताजी, पिताजी हमसे गलती होगी, पिताजी पिताजी हमें माफ कर दीजिए। पिताजी नालायक, प्रधानी का चुनाव होने वाला है, मैं तुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहता था। अगर तेरी ये करतूत सामने आ गई तो चुनाव तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। बंसी, मेरे बेटे ने गुनाह किया है, उसने तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब की है। मैं स्वीकार करता हूं बंसी कि मेरे बेटे को उसके किए गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात सोचो बंसी, अगर मेरे बेटे को उसके किए गुनाह की सजा मिल भी गई तो उससे तुम्हारी बेटी की इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी, उसकी जिंदगी तो खराब ही रहेगी और तुम्हारी बेटी से कोई शादी भी नहीं करेगा। एक रास्ता है बंसी, अगर तुम मेरे बेटे को माफ कर दो और अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो तो तुम्हारी बेटी की इज्जत भी बच जाएगी और उसकी जिंदगी भी खराब नहीं होगी। बंसी, मैं तुम्हारी बेटी को इस घर की रानी बनाकर रखूंगा, उसे कोई कमी नहीं होगी। बंसी, फिर हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे। सोचो बंसी, कोर्ट कचहरी का चक्कर आसान नहीं होता, सोचो। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। हाँ। तनी पानी ले क्या? अभी लाई। लीजिए। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? सुमित्रा। हाँ। शादी की तैयारी कर लो। लेकिन
मुन्नी की शादी में अभी समय है। मोनी की शादी में नहीं, फिर गुड्डी की शादी की है। किसके साथ? बलबीर के साथ। हाँ? उसी ने गुनाह किया है और वही इसे अपनाएगा भी। प्रधान जी सही कह रहे थे, हम लोग कोर्ट कचहरी करेंगे ना तो मोनी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसकी भी बदनामी होगी। मेरे बलात्कारी से मेरा ब्याह तय करा है, इससे तो अच्छा मैं गला घोट के ही मार देते। देख गुड्डी, सचमुच हम बहुत मुसीबत में हैं गुड्डी। तेरी वहां शादी होगी ना, तेरी सारी गरीबी दूर होगी, तेरे इस बच्चे को नाम मिलेगा। हम हाथ जोड़ते हैं। बेटा, तेरे बाबूजी ने सही फैसला लिया है, समझे? अच्छा अच्छा। आगे हो जाइए, आप पीछे चले जाइए। ठाकुर साहब, विवाह संपन्न हुआ। जाओ अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो। से कोई बात नहीं, अभी बिटिया नाराज है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है दो चार दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो बेटा, इस गलती की वजह से ये लोग हमारे सामने खड़े हैं, हमारे ही घर में, वरना इनकी औकात क्या है जो ये हमारे सामने खड़े हैं। सुहागरात है ना, पति पत्नी की मिलन की रात, मनाओगी सुहागरात? लेकिन हम तो पहले ही सुहागरात मना चुके हैं। योगी, पी लो थोड़ा, आज ये सुहागरात की सेज। हम तुम्हारी चिता बना देंगे। तुम्हारा खेल
खत। महारानी, 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 सुनो बे, यहां मुफ्त का कुछ नहीं मिलेगा। चल जा, माँ का हाथ बटा किचन में जाके। चल चल निकल जाओ। चाय बना लो सबके लिए। माँ जी, गैस चल नहीं रही है, आप आकर जला दीजिए ना। क्या कहा? हाँ, वो गैस चल नहीं रही है। हमें बुलाने आइए, हम जलाएंगे गैस। जाओ यहाँ से, बना लेंगे अपने आप। रखते हैं। नाश्ता कहाँ है हमारा? माँ जी बना रही है। तुमसे कुछ होगा कि नहीं? महारानी नहीं हो तुम, नौकरानी हो। और जब तक इस घर में हो ना, तो नौकरानी बन के रहना। तुम भी खाओ। अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। ये लीजिए। अरे सबकी क्या जरूरत थी? अच्छा अच्छा, लाइए लाइए लाइए, लाओ बेटा। प्रधान जी, हमारी बिटिया कैसी है? बिटिया बहुत अच्छी है, बाजार गई है बलबीर के साथ खरीदारी करने के लिए, बहुत खुश है। ये क्या कर दिया बाबा, अपने ही हाथों किस नरक में भेज दिया हमें। अगले हफ्ते हम आपकी बिटिया को भेज देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी होगी प्रधान जी। हम लोग चलते हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी, हम इस गुड्डी के साथ नहीं रह सकते। कहाँ फंसा दिया आपने मेरे बेटे को? बेवकूफों जैसी बातें मत करो तुम लोग। अरे मैंने इसे फंसाया नहीं है, बचाया है। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो सबूत है इसकी करतूत का। पहले वो बच्चा गिरवाओ, उसके बाद उसे भी इस दुनिया से उठा देंगे। लेकिन पहले सबूत मिटाना होगा। बहू, ये दवा खा लो। दवाई? कैसी दवाई? बेटा, तुम मां बनने वाली हो ना, तो तुम्हें दवा पीनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला है। हम नहीं पिएंगे। खाओ खाओ तुरंत। हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। तुम खा लो। क्या करना चाहते हो हमारे साथ? कैसे नहीं खाएगी? हाँ, कैसे नहीं खाएगी दवा? हमें तो दबाई। चलो चलो वहां।
अब इसको थोड़ी देर में दर्द शुरू होगा और बच्चा गया। बलवीर थैला दे, जा ले जा, फेंक दे। मिट गया सबूत। रुको, तुम्हारी मां दुनिया अंदर है, रुक जाओ। ए लोडेड है, ए लोडेड गना। पागल हो गया क्या? ले जा। हम कह रहे हैं हमारा बच्चा दे दो हमें। अरे लोडेड है, चल जाएगी नीचे कर। हम कह रहे हैं। क्या कर रही है? अरे तेरा पति है ये, तो मार, बंदूक नीचे कर, मार देंगे इसे, मेरा बच्चा, अबे दे दो, अरे लोडेड है, चल जाएगी, ले बच्चा, ले 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 बच्चा अपना, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, रोको इसे कोई, रोको। अरे मांगा था ना आपने हमारे बलात्कार का, मेरा सबूत। क्या है ये सब? हमारा बच्चा। बच्चा दुनिया में आने से पहले ही से मार था। किसने मारा तुम्हारे बच्चे को? भूल गए तो रोगा साहब, हम एक बार पहले भी आए थे आपकी इस चौकी में, तब अगर आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। तुम प्रधान के लड़के पर इल्जाम लगा रही हो, सोच समझ के तो बोल रही हो ना? अरे लेकिन आप हमारी क्या सुनते हैं? हमारी तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं सुनी, बलात्कार भी हमारे साथ ही हुआ और सजा भी हमको ही दी गई, हमारे ही बलात्कार से हमारा ब्याह कर दिया। आखिर कब तक अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप अपनी ही बेटियों की कुर्बानी देते रहेंगे? अगर किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो उसकी सजा भी लड़की को ही क्यों दी जाती है? सुनो पूरी बात बताओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, पुलिस है तुम्हारे साथ, बताओ। बलबीर ने रेप किया था मेरा, उसके बच्चे की माँ बनने वाले थे हम, अब उसने और उसके परिवार ने हमारे बच्चे को भी मार दिया और हम हमें भी मार देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हवलदार जीप निकालो। Oh,
आज हमारे देश में बेटियां पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा हर क्षेत्र में अग्रसर होकर हम देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर रही हैं। हमें गर्व है उन बेटियों पर, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सफलता के पीछे उनके साथ साथ उनके माँ बाप का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है, जो रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर बहुत सी मुश्किलों का सामना करके भी अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी समाज में बंसी और सुमित्रा जैसे माँ बाप भी है जो अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी उसका साथ नहीं देते। गुड्डी ने अपने साथ हुए इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस मासूम की बगावत में उसके अपनों का ही साथ नहीं मिला उसे। गुड्डी के माँ बाप की पहली गलती थी अपनी बेटी के साथ हुए इस अत्याचार की समाज में बेइज्जती के डर से रिपोर्ट ना करना, और दूसरी गलती उसकी शादी उसी के बलात्कारी से करवा देना। ऐसा हमारे देश के कई गांवों में होता है जो कि सरासर गलत है। याद रखिए, इस तरह की आपसी समझौते जो कानून को दरकिनार करके किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अन्याय और जुर्म को बढ़ावा देते हैं। गुड्डी के साथ जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हमें गर्व है इस बात पर कि गुड्डी अंत तक लड़ती रही और उसने अपने मुजरिमों को सजा दिलवाकर ही दम लिया। बलबीर, लोकेश और चंचल आज जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे। याद रखिए, बेटी जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल जंग भी आसानी से जीत सकती है अगर उसे अपनों का साथ मिले। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म से जंग और इंसान के जज्बे की एक और नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।